राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार कान में तेल डालकर सो जाती है और उदयपुर जैसा दर्दनाक कांड हो जाता है। गहलोत सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने में नाकाम होती है और उदयपुर जैसा कांड हो जाता है। गहलोत सरकार एक ही पक्ष की अराजकता गुंडागर्दी को देखते हुए भी आंख मूंद लेती है और उदयपुर जैसा कांड हो जाता है। गहलोत सरकार तमाशबीन बन जाती है और उदयपुर जैसा कांड हो जाता है। गहलोत सरकार टोटल फेल हो जाती है और उदयपुर जैसा शर्मनाक दिल दहलाने वाला कांड हो जाता है। राजस्थान में जिंदगियां सुरक्षित नहीं है और गहलोत सरकार करती क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बंद। मानवता की हत्या हो रही है और गहलोत सरकार इंटरनेट बंद करके अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या कभी कांग्रेस ने सोचा है कि ऐसी घटनाएं उनके ही शासित राज्य में क्यों होती हैं? क्यों किसी बीजेपी शासित प्रदेश में किसी अपराधी या आतंकी की हिम्मत नहीं होती ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की? दरअसल इसके पीछे कांग्रेस की वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति है, जो वो सालों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जब कांग्रेस की गहलोत सरकार आतंक और अपराध को बढ़ावा देगी तो उदयपुर जैसी देश को तोड़ने वाली घटनाएं होती रहेंगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार विकास, मूलभूत सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर अपना दम तोड़ चुकी है और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि राजस्थान में तालिबानी मानसिकता हावी हो गई है। कांग्रेस की गहलोत सरकार को शर्म फिर भी नहीं आएगी।